Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Sunil and you are watching Sunil Prajapati Edits. तो guys, आज की editing कुछ इस टाइप का होने वाला है guys. आप देख सकते हैं. And editing start करने से पहले मैं आपसे एक request करना चाहूँगा. अगर अभी तक आप हमारे channel को subscribe नहीं किए हैं तो please channel को subscribe कर दीजिए. And आपको video अच्छा लगेगा तो please यार video को like कर देना. तो let's get started. तो हमें PicsArt को open करना है. एंड गाइस हमें बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है. सो गाइस ये है बैकग्राउंड, देख सकते हैं. हाँ गाइस, अगर आपको इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा. इसमें जितना भी PNG यूज होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक. और गाइस तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें जाना है ऐड फोटो में एंड हमें पिक्चर ले लेना है जो इसमें ऐड करूँगा मैं. तो ये रहा पिक्चर. तो गाइस मैं पहले से इसको क्रॉप करके रखा था, आपको पता नहीं कि इसको कैसे क्रॉप किया जाता है बैकग्राउंड को. तो मैंने पहले ऑलरेडी उसका वीडियो बना के रखा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा गाइस. तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करना है इसको. सो गाइस ये एडजस्ट हो चुका है, यहाँ से हमें डन कर देना है. एंड हमें फिर से जाना है ऐड फोटो में एंड क्या करना है, फिर से वही बैकग्राउंड को ले लेना है एंड थोड़ा सा बड़ा करके इसको रोटेट कर देना है इस टाइप में. एंड ओपेसिटी को कम करके आप देख सकते हैं, हमें थोड़ा पैर में डालना है थोड़ा. ओके गाइस एंड साइज को बड़ा कर देना है, तो मैं इतना रख रहा हूँ. ओके गाइस एंड इरेजर में आ जाना है एंड पूरा इरेज कर देना है. ओके गाइस पहले तो पूरा इरेज कर दे रहा हूँ पहले मैं. एंड ब्रश में जाना है, साइज छोटा करना है. ओके गाइस एंड यहाँ से पेस्ट कर देना है स्टेप में. ओके गाइस एंड जो साइड का जो एरिया आ रहा है उसको आप इरेज कर सकते हैं हल्का हल्का, जैसे ये है. हमें सिर्फ वाइट लेना है वो जो बीच में आ रहा है. ओके गाइस सो गाइस ये देख सकते हैं हो गया है. एंड हल्का सा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, ज़्यादा ही इरेज हो चुका है ये. तो गाइस ये देख सकते हैं हो गया. एंड यहाँ से हमें डन कर देना है. एंड इसके बाद क्या करना है, हमें हेयर का PNG इसमें ऐड करना है. तो ऐड फोटो में जाना है एंड फिर से हमें हेयर को ले लेना है. एंड मैं इसे फ्लिप कर दूँगा, इस साइड में पकड़ के इधर घुमा दूँगा. हो गया इस एंड मैं यहाँ इसको एडजस्ट कर लेता हूँ. हमें जाना है फिर से इरेजर में एंड इसे हल्का हल्का इरेज कर देना गाइस, जिसमें मर्ज हो जाए इसमें. ओके गाइस एंड ये भी हो चुका है गाइस. एंड क्या करना है, साइज बड़ा करके हल्का सा ओपेसिटी को 90 करके पूरा इसको इरेज कर दूंगा हल्का हल्का, मर्ज हो जाए इसमें. एंड ओके तो देख सकते हैं गाइस हेयर लग चुका है. थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगा. तो गाइस ये हेयर लग चुका है, डन कर दिया मैंने. हमें करना है इसमें थोड़ा सा ग्लो डालना है. तो हमें मैं जाऊँगा ब्यूटी में एंड ब्यूटी में जाने के बाद मैं स्किन टोन कर लूँगा. ओके गाइस तो ये ऑलरेडी ले लेगा, ठीक है. तो जहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट लग रहा है वहाँ पे मैं हल्का हल्का इरेज करूँगा ओपेसिटी को कम करके, साइज कम करके. ओके गाइस तो इस टाइप में मैं यहाँ पे इरेज कर दूँगा हल्का हल्का. तो ये हो चुका है गाइस, एंड यहाँ से ओके कर दूँगा एंड थोड़ा सा डिटेल में जाके मैं थोड़ा डिटेल कर लूँगा फेस में इस टाइप में. ओके गाइस एंड यहाँ से डन कर देना हमें. तो फोटो प्रो एडिटिंग हो चुका है गाइस एंड हमें जाना है ड्रॉ में. ड्रो में जाने के बाद थोड़ा शेडो क्रिएट कर लेना है गाइस एंड ब्लैक यहाँ पे सिलेक्ट है. साइज ब्रश का छोटा ही रखना है एंड यहाँ से हल्का हल्का ब्रश कर देना है गाइस इस टाइप में. एंड इसका ओपेसिटी कम कर देना है. तो ये हो चुका है, मैं 90 ओपेसिटी रखा हूँ एंड हमें इस इमेज को सेव कर लेना है.
एनिमेस सेव हो चुका है गाइस। हम चलते हैं लाइट रूम में। अब लाइट रूम में हल्का सा एडिटिंग होगा गाइस। तो मैं लाइट रूम को ओपन कर दिया। जाना ऐड फोटो, एंड गाइस हमें जाना ओल्ड फोटो में एंड इस फोटो को ले लेना है। तो फोटो आ चुका है एंड इसमें क्लिक करना है एंड हाईलाइट को कम कर देना है। मैं 26 रख रहा हूँ एंड शेडो को बढ़ा देना है, 15 किया हूँ मैं। एंड वाइट को कम कर देना है 13 एंड ब्लैक को भी कम कर देना है 22 एंड नीचे आ जाना है। वाइब्रेंस को भी बढ़ा देना है, 30 कर दिया मैं। एंड रेड को हल्का सा मैं बढ़ाऊँगा 10 एंड ऑरेंज को -6 एंड लुमिनेंस को +6। येल्लो में भी वही करना है -4 एंड लुमिनेंस को 6 कर दिया। एंड ब्लू टोन को हल्का सा बढ़ाना है, 6 कर दे रहा हूँ मैं। एंड यहाँ से डन कर देना है। एंड टिंट को 8 कर दूंगा मैं, सॉरी मैं 6 रखूँगा टिंट को। एंड नीचे आ जाना है एंड क्लैरिटी को बढ़ा देना है, 10 कर दिया मैं। एंड नीचे आ जाना है एंड शार्पनेस को भी 10 कर देना है। ओके गाइस, एंड नॉइज को मैं भी 10 कर दूंगा। ओके गाइस, तो लाइट रूम का एडिटिंग हो चुका है गाइस। देख सकते हैं पहले ऐसा था और अब ऐसा है। तो अब इसे क्या करना है, सेव कर देना है इमेज को। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।